किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक के नॉलेज में। तो गाइस रात के लगभग 11:55 हो रहे हैं और यहाँ पे हमें एक हमारे दोस्त ने इंस्टाग्राम पे एक ये फॉर्म सेंड करा था, और जो ये आपका फॉर्म है ये है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म की क्वेरीज के लिए। जो भी आपके SOL के सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स हैं जिनका हाल ही में रिजल्ट आया है फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का ओपन बुक एग्ज़ाम का और सेकंड सेमेस्टर का BCOM का ही आया है अभी, तो खैर BCOM ऑनर्स का, उसके अलावा असाइनमेंट का भी किसी का भी रिजल्ट नहीं आया। तो ठीक है, अब उसमें करना है कि आप लोगों को ये सुनिए, अगर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में से किसी भी पेपर में आपका अब्सेंट शो हो रहा है या फिर NA शो हो रहा है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक देखने को मिलेगा जिन भी बच्चों को अब्सेंट आया है इस बार के एग्जामिनेशन में, ठीक है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो, सेकंड के हो या फिर थर्ड के हो, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है। अब इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल है वो मैं आपको समझाऊं, उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल रहा होगा, ये पूरा आपका फॉर्म है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना कैंडिडेट नेम फिल करना होगा जो आपका SOL के अंदर है, ठीक है, फिर आप अपना SOL रोल नंबर डाल देंगे यहाँ पे, उसके नीचे आप अपना डालेंगे एग्जामिनेशन रोल नंबर, ठीक है, जो भी आपका एडमिट कार्ड पर आया था, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। और आपका तो वैसे भी पूरे 3 साल वही चलने वाला है क्योंकि आप सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट हैं। ईमेल आईडी, करंट ईमेल आईडी डालिएगा जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वो अभी आपको रीज़न बताऊंगा आगे क्यों, ठीक है, आपको करंट ईमेल आईडी डाली होगी जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं। कोर्स नेम आपका जो भी कोर्स नेम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, प्रोग्राम है तो प्रोग्राम, ऑनर्स है तो ऑनर्स कोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये मेंशन करना होगा आपकी किस सेमेस्टर में AB या फिर NA आया है, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में या फिर थर्ड सेमेस्टर में, तो जिसमें भी आपको आया है ना आप यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने सेकंड पे टिक कर दिया या फिर हमने फर्स्ट पे टिक कर दिया, ठीक है। पेपर कोड आप यहाँ पे अपना मेंशन करेंगे उस सब्जेक्ट का जिसमें आपका अब्सेंट शो हो रहा है आप लोगों को, ठीक है, उस सब्जेक्ट का आप अपना पेपर कोड डाल देंगे। अब एनी अदर क्वेरी में आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे आप अपना रीज़न दे सकते हैं कि आप लोगों ने जो अपना जो ओपन बुक एग्ज़ाम है वो टाइम पे सबमिट करा था, और आपके पास एक तरह से एविडेंस प्रूफ भी है, लेकिन आप लोगों ने तब भी जो हमारा रिजल्ट है उसमें अब्सेंट शो कर दिया है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, फलाना फलाना करके। और बाकी अब आपको फिर आखिर में क्या करना होगा, सबमिट के बटन पे आप लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। सबमिट के बटन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे ना आपके सामने ना कुछ विंडोज शो होगी, उसमें लिखा होगा जो आपका अब्सेंट का जो रिज़ल्ट है ना, मतलब जो भी ये क्वेरी है उसको 10 दिन में रिजॉल्व कर दिया जाएगा, और आपको उसकी जो अपडेट है वो आपकी ईमेल आईडी पे दे दी जाएगी, ठीक है, ईमेल आईडी पे जो आपको उसकी अपडेट है वो दे दी जाएगी। और रही बात, उसके नीचे लिखा होगा आपको SOL ऑफिस नहीं जाना है, जो आपका ये सारा काम है वो ऑनलाइन ही हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी, ये फॉर्म जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अब उन्हीं बच्चों के लिए जो UG के सेमेस्टर एग्जामिनेशन में है, ठीक है, ना कि एनुअल मोड के लिए फॉर्म है। तो एनुअल मोड वाले बच्चे ये कृपया करके ये ना पूछे कि क्या ये हमारे लिए भी है, ये सिर्फ अभी सेमेस्टर मोड वाले बच्चों के लिए है, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर किसी से भी रिलेट करते हो, ठीक है, अभी फोर्थ सेमेस्टर का तो किसी का भी रिजल्ट नहीं है असाइनमेंट का, बाकी आपके लिए ये फॉर्म है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, और बाकी कोई भी दिक्कत आती है इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, वहाँ भी आपको हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट समय पे दी जा रही है। लगभग रात के 12 बजने को है, तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।